अरे पापा, आपका दोस्त तो बहुत रईस लगता है, इतना बढ़िया पार्टी दिया है, कौन है ये दोस्त आपका? अरे चुप करो, तुमको घर में समझाया था ना, ज्यादा बात मत करना यहाँ पे, दोस्त मत करो, चुपचाप से 10 मिनट पे खाओ पियो और चलो निकलो यहाँ से, मुंह दिखाने आए खाली यहाँ पे। क्या खाओ पियो? आदमी सब समझेगा ये लोग दगमगा है, पार्टी में आया और खाने लग गया, और ये क्या बोल रहे हैं मुंह दिखाकर चलते हैं, आप कोई लड़की है क्या जो खाली मुंह दिखाकर चलिएगा? भाई यहाँ से 1-2 घंटा रह के चलेंगे यहाँ पर, देखेंगे डांस वांस। अरे काला का, तुमको पापा एक बार बोल दिए तो तुमको समझ में नहीं आता है, चुपचाप से खाओ पियो और निकलो, फुटानी चला हुआ तुम्ही को। अरे रहने दो बेटा, इसको बहुत फुटानी है, इसी को देते हैं लिफाफा, दे के आएगा दूल्हा को तो इज्जत बनेगा इसका, कि आया है तो गिफ्ट तो दिया कम से कम हमको, हम लोग को इतना नखरा थोड़ी ना है, हम लोग को इतना शर्म नहीं लगता है, बड़का आया फुटानी झाड़ रहा। हाँ हाँ हमको दीजिए, हम देंगे, हमारा नाम होगा, हमको दीजिए लिफाफा। अरे मेरा प्लान काम कर गया। देखी लोग मेरा कद्दूपुर में कितना इज्जत करता है, वेटर भी लिफाफा देने आया है, देखो कितना इज्जत है मेरा। भैया आपको शादी का मुबारक हो, ई लीजिए लिफाफा, थोड़ा दिन में बन जाइएगा पापा, उसका भी बधाई हो पहले से एडवांस में। ठीक है चिंता मत करो, उस वक्त भी तुम्ही को बुलाएंगे। अरे ये भैया बोल रहे हैं उस वक्त भी तुम्ही को बुलाएंगे, हमसे तो कोई इनका जान पहचान नहीं है, तो कैसे बुलाएंगे, लगता है हम इनको पसंद आ गए, देखो हमारा वट कैसा है, हम जहाँ जाते हैं लोग को पसंद आ जाते हैं, हमसे दोस्ती करना चाह रहा है। ए जी सुनो, जाते वक्त वहाँ से जूठा ग्लास लेते हुए जाना, ठीक है? ये हमको जूठा ग्लास ले जाने के लिए बोल रहा है, लगता है ये हमारा ड्रेस देखकर हमको वेटर समझ रहा है, इसीलिए हमको बोला कि अगला बार भी तुम्ही को बुलाएंगे, हम यहाँ पर क्या क्या सोच के बैठ गए कि हमको वेटर समझ रहा है, पापा के चक्कर में फिर मेरा बेइज्जती हो गया। अरे बाबू लिफाफा में तो पैसा ही नहीं है। अरे पापा ना कैसा कैसा हरकत सब करते हैं, लिफाफा में पैसा डालना भूल गए, पैसा के मामले में बिल्कुल कहीं है, सोचे होंगे कि लास्ट में डाल देंगे, डाले ही नहीं, अब देखो हमारा यहाँ बेइज्जती हो रहा है, और देखो कैसा बेवकूफ है, हम उनसे खुद ले लिए कि लाइए लिफाफा हम देकर आएंगे, हमारा वापस जाकर वाप पड़ेगा, कद्दूर वाप पड़ेगा, यहाँ आया तब बेइज्जती हो रहा है, पहला बेइज्जती हुआ कि हमको वो वेटर समझा, दूसरा बेइज्जती ये हो रहा है कि अब ये लोग सोच रहा है कि बिना पैसा के लिफाफा दे रहा है, हमारा खाली बेइज्जती होता है हर जगह, अपमान होता है हमारा हर जगह। अरे क्या कर रहे हो, लिफाफा में पैसा नहीं डाले हो ये पूछ रहे, तो कर रहे हो, आपका पॉकेट में पैसा है कि नहीं? अरे हाँ हाँ बहुत पैसा है। हाँ तो थोड़ा डाल दीजिए, उसमें सोचना क्या है, खाली पॉकेट में रखने से क्या होगा, थोड़ा लिफाफा में भी रखिए, सब चीज आपको हम ही लोग दें क्या, लिफाफा दिए पैसा खुद डाल लीजिए, इतना भी बुद्धि नहीं है, पूछ रहे हैं बेशरम की तरह, बेशरम आदमी, बदतमीज आदमी। और हमारे पास तुम्हारे साथ बात करने का समय नहीं है, ठीक है, जा रहे हम रसगुल्ला खाने, और वो क्या बोलते हैं उसको गोल गोल होता है जो लड़की लोग खाती है, गोलगप्पा खाने जा रहे हम, ठीक है, बात मत करो हमसे, तुम डालो पैसा अपने से, बेशरम आदमी पूछता। अरे ये कौन था साला, लेकिन जो भी था पागल था साला, संकी था, लेकिन ये किसके तरफ से आया हम लोग का शादी में, देखना होगा हमको, काहे कि कैटरिंग वाले का आदमी तो हमको ये लग नहीं रहा है, ऊपर से हम लोग का घर का शादी में आके हम ही लोग को बदतमीज बोल रहा है, बताते अभी इसको हम। भैया हमको भी गोलगप्पा दीजिए, 5 मिनट से हम यहाँ पर खड़े हैं, तभी से तमाशा देख रहे हैं आपका, दे नहीं रहे हमको आप गोलगप्पा। अरे तो खड़े काहे हो, जब नहीं दे रहे हैं तो दूसरा स्टॉल पे जाके खाओ ना, दूसरा स्टॉल पे जाके मरो, हमारा स्टॉल पे काहे खड़े हो गए, आके देख रहे हो इतना लेडीज सब खड़ा है, पहले लेडीज को देंगे कि तुमको देंगे, बुखार कहीं का, निकलो यहाँ से। अरे तुम खिला क्या रहा है, खाली उस लोग को तार रहा है, हमने देख रहे हैं क्या, जानबूझ के उसी लोग को खिला रहा है, हमको दे नहीं रहा है, तब से खाली बहाना कर रहा है, हमको भी तो काहे खाली लेडीज लोग को देने के लिए रखे हो, क्या गुपचुप? लेडीज का आइटम है लेडीज को पहले मिलेगा, जेंट्स का जो आइटम है जेंट्स का स्टॉल में जाके खाओ, समझे? अरे कोई शौचालय क्या, जो लेडीज में जाओ जेंट्स में जाओ, ये खाना है कोई भी खा सकता है, ये कहाँ लिखा है कि गोलगप्पा सिर्फ लेडीज खाएगा, जेंट्स नहीं खा सकता, बच्चा नहीं खा सकता है, और यहाँ पर जो तुम बोल रहे हो कि और स्टॉल में जाओ, सब जगह तो लेडीज से लगा हुआ है, हम जाए कहाँ, सब लोग खाली लेडीज को दे रहा है, हमको तो दे ही नहीं रहा है, खाली लेडीज को देख रहा है और दे रहा है, आइसक्रीम वाला के यहाँ गए तो वो भी छोरी लोग को कुल्फी खिला रहा है, हमको दे ही नहीं रहा है। अरे तुमको बोले ना मेरा माथा मत खाओ, यहाँ से जाओ, इतना ही तुमको हड़बड़ी है ना, तो लेडीज लोग का एक आदत होता है, खाता एक है एक गिराता है, तो वो जो गिरा हुआ है वो उठा उठा के खा लो, बकवास मत करो बस। अरे हम भिखमंगा है क्या,
वर्दी देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम बिगमंगा और बिगमंगा के खानदान से आता है। ये पापा के चक्कर में मेरा बहुत अपमान हो रहा है, हर कोई मेरा अपमान करके चला जा रहा है। एक कैटरिंग वाला भी हमारा अपमान कर दिया, एक गुपचुप के लिए हमको क्या क्या बोल दिया। अरे बाबू इधर आओ तो। क्या हुआ चाचा? ये रोटी ठंडा काहे है? अच्छा रोटी ठंडा है, देखिए चूकर मर तो नहीं गया, अंतिम संस्कार करना पड़ेगा रोटी का अगर मर गया होगा तो। ऐसे अगर आप लोग वो जो थर्मामीटर होता है अगर लाए हो तो लगा कर देखिए, पता चलेगा टेम्परेचर कितना है रोटी का। अरे मजाक करता है जी, मजाक करता है। अरे देखिए मजाक नहीं कर रहे हैं, आप हमको बुलाए पूछने के लिए कि रोटी ठंडा काहे है, तो हमको जितना बुद्धि हम उस अनुमान से आपको बता दिए कि काहे रोटी ठंडा होगा। अगर आपको ये कारण अच्छा नहीं लगा तो दूसरा कारण बताते हैं, जैसे देखिए मौसम इतना ठंडा है तो हो सकता है उसके कारण भी रोटी ठंडा हो गया हो। अरे तुम अपना गलती के ऊपर पर्दा डाल रहे हो। अरे हमारा पिताजी हमको कच्चा तो दिला कर नहीं देते हैं, पर्दा कहाँ से दिला कर देंगे जो हम अपना गलती के ऊपर पर्दा डालेंगे। और दूसरा बात, हम कभी गलती करते नहीं है, अगर करते हैं तो फिर पर्दा उर्दा नहीं डालते अपना गलती के ऊपर, काहे कि अगर हम गलती करते भी हैं तो सीना ठोक कर बात करते हैं, किसी का बात से डरते हैं क्या, किसी का कर्जा खाए हैं क्या जो डरेंगे। अरे तुम तो बहुत बदतमीज वेटर है जी, तुमको कैसे रख लिया ये कैटरिंग वाला, बात करने का तमीज नहीं है, गलती के ऊपर पर्दा नहीं डालते हैं, और अगर गलती हो तो गलती को मानते नहीं है, सीना ठोक कर बात करते हैं, लाट साहब है तुम। अरे क्या हुआ भाई साहब? अरे इस वेटर से पूछ रहे हैं ये रोटी इतना ठंडा क्यों है, तो उल्टा सीधा बात कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। अरे हाँ हम भी इसी को खोज रहे थे, हमसे भी बदतमीज की तरह बात कर रहा था, तुम कौन है रे? अरे हम लड़का है सूरदास, दिखाई नहीं दे रहा है हम कौन है, अंधा कह रहे चश्मा बनवा लो दिखाई देगा, इतना बड़ा आदमी का पार्टी में आ जाते हो खाना ठूसने के लिए, चश्मा नहीं बना सकते हो 600 टका का? अरे इतना मार मारेंगे ना, उल्टा बात किया तो, चुपचाप से बताओ कौन है तुम? तुमको किस बात का इतना पंचायती है जी, हैं? काहे इतना पंचायती कर रहे हो कि तुम कौन हो हम कौन है, तुमको से क्या मतलब है, तुम भी बाराती हो हम भी बाराती हैं, तुम भी किसी और का मुफ्त में खाने आए हो हम भी किसी और का मुफ्त में खाने आए हैं, ना तुम हमारा खाओगे ना हम तुम्हारा खाएंगे, तो इतना तकलीफ क्या हो रहा है तुमको? चुपचाप से दो रोटी सुअर की तरह खाओ और अपना नाला में घुस जाओ, और हाथ मुंह धोकर वहीं सो जाना, पानी भी वहीं पी लेना नाला वाला। अरे चुप करो बदतमीज कहीं का, नहीं तो हाथ पैर तोड़ देंगे तुम्हारा पकड़ के, बात करने का तमीज नहीं है, पता नहीं कहाँ से घुस गया है, किसके तरफ से आया तुम? अरे हम लड़का वाला की तरफ से आए हैं, तुमको से क्या मतलब है? अरे हम तो तुमको नहीं पहचान रहे हैं। अरे तब तुम लड़की वाला की तरफ से होगा इसीलिए तुम हमको नहीं पहचान रहे, हमको खाली लड़का वाला लोग पहचानता है। अरे तो हम लड़का का बाप है। अच्छा तुम लड़का का बाप है, हमारा अभी तक शादी ही नहीं हुआ है, हम किसी का बाप नहीं बने हैं, हमारा भी शादी कराओ तो हम भी बोल पाएंगे आगे से कि हम भी लड़का का बाप है। अरे क्या मजाक कर रहे हो तुम, हम दूल्हा का बाप है। अच्छा अंकल आप दूल्हा का बाप है, आप हमको पहचाने नहीं, हम काला कद्दू। अरे कौन काला कद्दू, हम नहीं जानते तुमको। अरे तो आप हमारा पापा को जानते होंगे ना, काहे कि हम तो आपसे आज पहली बार मिले हैं, पापा आपसे रोजे मिलते हैं। अरे वो कद्दू जी नहीं है, उनका लड़का हम। अरे कौन कद्दू जी, हम किसी कद्दू अद्दू को नहीं जानते हैं। अरे हमारे पापा तो बताए कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड है और आपके बेटा का शादी है, उसीलिए हमको खाना खाने के लिए ले आते, और हम आपको खाली वाला लिफाफा दिए थे याद नहीं आपको, जिसमें पैसा डालने के लिए भी बोले थे, डाले नहीं क्या अभी तक आप? अरे चुप करो, जितना पूछते उतना बताओ तुम्हारा बाप कहाँ है? देखे तो हमारा कौन सा बेस्ट फ्रेंड बन गया कद्दू नाम का, हम तो किसी कद्दू अद्दू को नहीं जानते हैं, कहाँ है तुम्हारा बाप? अरे पापा तो अभी यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे हम सब समझते हैं तुम लोग जैसा लड़का को फ्री का खाने आए हो ना। हाँ हाँ फ्री का खाने आए हैं, शादी में कौन सा आदमी पैसा देकर खाने आता है, खाली लिफाफा देता है, वो भी हम आपको दिए कि नहीं दिए खाली लिफाफा? अरे तुमको हम बताते हैं, चमड़ी निकालते हैं तुम्हारा शरीर का, बदतमीज लड़का, बात करने का तमीज नहीं है, एक तो दूसरे का शादी में घुस गए हो मुफ्त का खाने के लिए, ऊपर से बकवास कर रहे हो, पकड़े जाने पे बहाना बनाते हो, हमारा पापा आपका बेस्ट फ्रेंड है कद्दू नाम है, हम किसी कद्दू अद्दू को नहीं जानते हैं, तुमको भी बताते हैं हम कौन है। पापा आप लोग हमको उस शादी में छोड़ कर आ गए, किसका शादी था वो जिसके लिए आप बोले थे कि मेरा दोस्त है, और लिफाफा भी खाली दिए थे, मार खिलवा दिया हमको वहाँ पर। अरे तुमको बोले थे ना 10 मिनट में खा पी के निकल चलना वहाँ से, तुम्ही को ना था, हम 1-2 घंटा शादी में रुकेंगे तो भोगो अपने, और ऐसे हम लोग का कोई दोस्त वोस्त नहीं था, वो तो गोरा कद्दू को खाना खाना था मुफ्त का होटल जैसा, इसीलिए गोरा कद्दू भी प्लान बनाया था। अरे तो इसमें गलत क्या है,
खाना तो खाए ना पेट भर के, खाई बात अलग है, काला कद्दू खाना के साथ मार भी खाया। अरे हम कोई खाना वाना नहीं खाए, हमको कोई गुपचुप गुपचुप भी नहीं मिला, हमको खाली मार मिला। देखे पापा, हम आपको पहले ही बोल रहे थे वो लिफाफा का भी 18 रुपया खर्च मत कीजिए, बेकार गया ना, खाना खा के नहीं ना आइए। पहले ही बोले थे हम आपको, नकारा एक नंबर का, इससे कुछ नहीं होगा। अरे हम तुमको गुड़ा कद्दू छोड़ेंगे नहीं, और पापा आपको भी नहीं छोड़ेंगे, हमको अनजान आदमी का शादी में ले गए, हमने बेइज्जती कराए, मार खिलाए, और क्या क्या सुनने को मिला आपको बता भी नहीं सकते हम। अरे हम 100% कन्फर्म है, तुम मार अपने करतूत के वजह से खाए होगे, जरूर वहाँ बकवास किए होगे, काहे कि तुम सुधरोगे नहीं ना।